जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को साथ में देखते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। आज हम 25 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। पिछले 2 दिन से जो एनालिसिस है वो शाम 6 बजे अपलोड नहीं हो पा रहा था कुछ कारणवश, लेकिन शाम को 6 बजे हर रोज जो हमारा पेपर है मतलब 6 से 6:15 के बीच में हो ही जाता है अपलोड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हर रोज की तरह आज भी एक क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू है जो आपको सॉल्व करना है। मतलब आपको ये वीडियो में सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है, देन उसके बाद वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपका जवाब है, प्लस जो भी एक्सप्लेनेशन आपके पास रहेगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यूएन ने डिक्लेयर किया है पीरियड 2022-2032 एज डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। दूसरा है, अहोम, आंड्रो, रंकास, सेंगमई, टोलचा, ये एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस जो है इंडिया के उसमें से माने जाते हैं। इंडिया में 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। अब इसमें से सही जवाब कौन सा है आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन लिख दी होगी। इसका जो जवाब है वो हमें देखने को मिलता है सी 1, 2, 3, सभी यहां पर बिल्कुल सही है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन जो है वो भी मैंने यहां पर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता हो। 197 लैंग्वेजेस जो है इंडिया में वो वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सोचिए आप, 197 लैंग्वेजेस अगर हमें बताने पड़े, मतलब अगर मैंने आपसे पूछा कि लैंग्वेजेस टोटल कितने हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर ज़्यादा 10 या ज़्यादा 20 लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में गिना पाओ। लेकिन 197 लैंग्वेजेस जो है इंडिया में वो आइदर वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है। अमंग दी एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस, अहोम, आंड्रो, रंकास, सेंगमई, टोलचा, ये यहाँ पर देखने को मिलता है जो हिमालयन बेल्ट के वहाँ पर बोली जाती थी। 8 स्केड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती है और इनको स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो है वो कहा जाता है। अब इसमें इंग्लिश है या नहीं है क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यूएन जो उसने डिक्लेयर किया है 10 ईयर्स पीरियड 2022 से लेकर 32 तक डेकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो आज के टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर से हम देखने वाले हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें 2 एडिटोरियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट निकलते हैं। मतलब एक जो है वो एक्सप्लेन्ड सेक्शन का आता है, कॉन्स्पिरेसी जो है उसे यहाँ पर बताया गया है, मतलब लॉज जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है उसके बारे में बताया गया है। एक्सप्लेन्ड सीरीज का है ये, और उसी के साथ साथ जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें क्या समस्याएं हैं उसके बारे में बात की गई है। तो ये 2 एडिटोरियल हमें आज काम के देखने को मिलते हैं, बाकी कोई भी एडिटोरियल जो है वो काम का नहीं है। द हिंदू अगर हम देखते हैं तो 1 एडिटोरियल हमें देखने को मिलता है जो काम का है, फेडरलिज्म एंड इंडियाज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो इसमें भी हम एक इंडेक्स जो है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो PLI प्लान जो है फार्मास्यूटिकल्स और IT हार्डवेयर्स के लिए यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो ये एक बेसिक न्यूज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। और इन दी एंड जो प्रिलिम्स के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पहली कंट्री कौन सी बनी है UN से जिसको वैक्सीन जो है वो दी गई है, तो ऐसे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM Academy ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक जो बहुत सारे एस्पिरेंट छोड़ देते हैं वो कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कंप्लीटली अवेलेबल है, इकोनॉमी जो है वो चल रहा है, एथिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है। तो मतलब GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे और काफ़ी शानदार कोर्सेज है। मतलब एक बार अगर आप डेमो लेक्चर देखोगे तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे, और इतने लोएस्ट प्राइसेस में है क्योंकि बहुत सारे जगह पर जहाँ पर 1 महीने का आपसे लिया जाता है, यहाँ पर 1 साल के लिए आपको उतना मिल रहा है। तो 1 साल का लेकर आप आराम से जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो, आपके जो कोर्सेस हैं वो एंजॉय कर सकते हो। मतलब पूरी प्रिपरेशन हो रही है आपको, एक बार अगर आप ये रेफर कर लोगे आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। NCERTs बोलिए, बाकी प्लस यहाँ पर जो भी किताबें होती है सभी से यहाँ पर कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ज़रूर यहाँ पर डाउनलोड जो है वो कीजिए, और उसी के साथ साथ जो वीडियोज़ हैं उनको एन्जॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं फेडरलिज्म एंड इंडियाज ह्यूमन कैपिटल, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें अगर हम देखते हैं तो हम इंडेक्स जो है उसके बारे में देखने वाले हैं,
और इंडेक्स जो होते हैं वो आपको प्रीलिम्स बोलिए मेंस बोलिए दोनों इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो जो रैंक है उसके बारे में पूछा जाता है, खासकर जो इंडिया का रैंक है उसके बारे में पूछा जाता है, प्लस उसी के साथ साथ जो फर्स्ट कंट्री है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ मेंस में अगर हम देखते हैं तो इसमें ये कौन कौन से बेसिस पर लिया जाता है, प्लस इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, इंडिया जो है उसका रैंक अगर खराब है तो क्यों खराब चल रहा है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स, ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर अगर हम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा इंडेक्स देखने वाला है, कौन सा इंडेक्स है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही निकलता है कि इसको रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड बैंक जो है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। अभी अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है उसका रैंक हमें 116th देखने को मिलता है लेटेस्ट वाला, और ये चेंज होते रहता है, तो रैंक जो है वो आपको जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो लेटेस्ट आपको देखते रहना पड़ता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 फॉर 1920 उसे नोट किया कि माल न्यूट्रिशन इंडिकेटर जो है वो स्टैग्नेट या डिक्लाइन हुए हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। अब यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, देखिए यहाँ पर कैपिटल जो उसकी बात हो रही है ह्यूमन के फॉर्म में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ, हेल्थ जो है वो बहुत सारी जगहों पर हमें खराब दिखाई देती है, मतलब कि जो माल न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है ना, तो ये चीज हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 एंड एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 पुअर लर्निंग आउटकम्स जो है वो भी यहाँ पर इंडिया के दिखाते हैं। मतलब क्या है, जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें भी यहाँ पर खस्ता हालत है, जो हम हेल्थ सेक्टर बोलते हैं उसमें भी काफी खराब हालत है ना। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कुछ एसेट तरीके का निकल के नहीं आता है, लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पर बनती जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप ओवरव्यू देखते हैं तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है फर्स्ट लॉन्च किया गया इन अक्टूबर 2018, 2020 में अपडेट किया गया एडिंग 17 न्यू कंट्रीज, ठीक है, एंड ओवर द टाइम कंपैरिजन ऑफ 103 कंट्रीज जो है बिटवीन 2010 से लेकर 2020 तक, ऑल डेटा जो है 2020 रिप्रेजेंट स्टेटस ऑफ कंट्रीज प्री कोविड-19, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडेक्स जो है वो डिजाइन किया गया है जिससे कि अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है चाइल्ड बॉर्न, आज जो चाइल्ड बॉर्न हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देखा जा सके, मतलब जब तक वो 18 साल की उम्र जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब इसमें जो जो बच्चा है उसके सर्वाइवल रेट जो है वो किस तरीके का है, कितना वो सर्वाइव कर सकता है ना, टू स्कूल एज, फिर स्कूल में गया तो वो जब अपनी लर्निंग कंप्लीट करेगा तो वो कितना वो एक्सपेक्ट कर सकता है, देन उसके बाद वो स्कूल जो है गुड हेल्थ में क्या लीव करेगा, मतलब स्कूल जब वो छोड़ेगा तो क्या वो गुड हेल्थ में रहेगा, है ना, फर्दर लर्निंग जो है काम जो है वो क्या वो कर पाएगा, ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर 2020 SCI अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इस तरीके का, यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप, यहाँ पर ये जो है ये हमें टॉप देखने को मिलती है, देन उसके बाद यहाँ पर सेकेंड, मतलब ये वाला पट्टा सेकेंड हमें देखने को मिलता है, एंड देन उसके बाद थर्ड, तो इंडिया अगर आप देखोगे तो थर्ड इसमें हमें देखने को मिलता है लोअर मिडिल इनकम, ठीक है, एंड उसमें अगर हम देखते हैं तो SCI 2020 0.4935, एंड सर्वाइवल चाइल्ड रेट अगर हम देखते हैं तो हमें 0.96 जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। देन एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो इस पर्सपेक्टिव से पूरा हेल्थ अडल्ट सर्वाइवल ये सारी चीजें देखने को मिलती है, आपको आंकड़े जो है वो बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक मुझे जो एक प्रॉब्लम दिखाई दिया है इसमें कि एक ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ठीक है, एंड ऑफिशियल वेबसाइट में जो ऑफिशियल यहाँ पर इंडेक्स आता है उसका ऑफिशियल डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर उनके तरफ से ऑफिशियल मैप हो गया। अब जब ऑफिशियल मैप हो गया तो फिर यहाँ पर इंडिया जो है उसका मैप इस तरीके का क्यों है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में रिपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब देखिए गवर्नमेंट जो है उसके इनिशिएटिव्स हर जगह पूछे जाते हैं कि डिस्पाइट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें अगर हम देखते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है ये हर किसी तक पहुंचना ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, और हर कोई जो है वो सही रहे ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये यहाँ पर चाह तो रही है सब तक पहुंचना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो मिलना, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अफोर्डेबल कॉस्ट पर बोला जा रहा है लेकिन वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रही। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अवेयरनेस की रहती है। पोषण अभियान देखते हैं तो वो लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ अमरेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मतलब जो माल न्यूट्रिशन है उसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ पर अटेंशन जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। देन उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान अगर हम देखते हैं तो सेंटर की फ्लैगशिप एजुकेशन स्कीम है ना, जहां पर स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 तक,
है ना, और स्कूल जो है इफेक्टिवनेस इंप्रूव करना, ये इसका काम हमें देखने को मिलता है। तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, स्टिल काफी ज्यादा शॉर्टफॉल जो है वो निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर कंसर्न्स अगर हम देखते हैं तो एक कंसर्न हमें देखने को मिलता है लो एलोकेशन टू सोशल सेक्टर। अब यहाँ पर इंडिया जो है जस्ट 4% जो उसकी जीडीपी का पब्लिक एक्सपेंडिचर ह्यूमन कैपिटल पर खर्च करता है, अराउंड 1% एंड 3% हेल्थ एंड एजुकेशन पर। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये लोवेस्ट है अगर हम बाकी कंट्रीज देखते हैं तो। अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि ये वाले लेटेस्ट बजट में काफी ज्यादा इंक्रीज जो है वो किया गया है, स्टिल अगर हम देखते हैं तो काफी जो लो है, हेल्थ बोलिए एजुकेशन बोलिए, इसमें हमें कम ही जो है वो देखने को मिल रहा है अगर हम एक्चुअल पर्सपेक्टिव से देखें। उसी के साथ पुअर डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर सेंटर ने अगर सब कुछ खुद के हाथ में ले लिया, सब कुछ खुद ही देख रहे हैं, तो वो हो जाता है सेंट्रलाइजेशन। अगर सेंटर जो है वो स्टेट्स को पावर दे रहे हैं, न स्टेट जो है अगर वो लोकल अथॉरिटीज को पावर दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन जो है बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, क्योंकि क्या है सेंटर जो है पूरी तरीके से सबको सबके ऊपर ध्यान जो है वो देना नामुमकिन। इसलिए क्या है कि यहाँ पर जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है जो स्टेट्स है वो सही तरीके से स्पेसिफिक तौर पर वहां पर काम करते हैं, है ना। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिला है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एक्सपेंडिचर्स में, रेवेन्यू में। मतलब क्या है कि यहाँ पर सशक्त बनाना, मतलब क्या डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब बेसिकली क्या कि यहाँ पर जो पैसा है वो प्रोवाइड करो, जो लोकल अथॉरिटीज है उनको पैसा तो दो, तब जाकर वो काम करेंगे ना। आप बोल दोगे स्टेट के हाथ में पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने का है, लेकिन उसका पैसे ही नहीं तो कैसे बनाएगा, है ना। इसलिए इंडिया जो है उसका डिसेंट्रलाइजेशन काफी पुअर हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में देखते हैं तो इसके बारे में कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, मतलब फेडरलिज्म बोल दीजिए, जो लोकल अथॉरिटीज है ना, जो 73rd 74th है ना, तो ये हमें देखने को मिलता है। मतलब इंडिया में 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलती है, सेंटर है, स्टेट एंड लोकल गवर्निंग बॉडीज है, इसलिए इसको 3 टीयर बोल रहे हैं। मतलब क्या है, एक जगह सेंटर है, देन उसके बाद स्टेट जो है वो हमें देखने को मिलती है, स्टेट की भी अंडर में अगर हम देखते हैं तो हमें लोकल बॉडीज जो है वो देखने को मिलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने यहाँ पर पावर जो है सेंटर और स्टेट के उसको भी डिवाइड किया हुआ है, वो हमें 7th स्केड्यूल में देखने को मिलती है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकार है वो लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में सभी लॉज बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ, तो वो स्टेट लिस्ट में है, इसलिए क्या होता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी हो जाता है कि सेंटर ने अगर कोई स्कीम लेकर आ गया, आयुष्मान भारत लेकर आ गया, कुछ ऐसे राज्य है जिन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, है ना। तो मतलब ये भी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर फिस्कल ट्रांसफर जो है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट प्रोवाइड करता है टैक्स डिवोल्यूशन ग्रांट इन एड के तहत, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो नहीं मिलता है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए दो तरीके की स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो रेशियो है वो होता है कि 60% जो है वो जो सेंटर है वो खर्च करेगा, 40% जो है वो स्टेट खर्च करेगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ऐसा होता है कि 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, तो स्टेट का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी जाता है ना, उसमें भी समस्या देखने को मिल रही है। और देखिए फिस्कल इम्बैलेंस जो है ये भी काफी ज्यादा है अगर हम फिस्कली देखते हैं, मतलब फाइनेंशियली अगर हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है बल्क ऑफ एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट पर छोड़ी हुई है, और सेंटर जो है मेजर रेवेन्यू सोर्स है उनका, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टेट के पास टैक्स के पास बचता क्या है, अभी बहुत कम चीजें बचती है, जो सेंटर है उनसे उनको पैसा मिलता है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो सेंटर है वो यहाँ पर वो टैक्स डिवोल्यूशन जो है प्रॉपर तरीके से करता नहीं है, मतलब जो पैसे जो स्टेट तक पहुंचने चाहिए वो पहुंचते ही नहीं है, ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और जैसा मैंने आपको कहा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसका भी एक बिग रोल है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर जो उसका बिग चंक जो है वो ले लेता है, ऑलमोस्ट 23% ऑफ ट्रांसफर टू स्टेट जो है वो यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ही चला जाता है। तो इसीलिए अगर स्टेट्स को कुछ अलग से करना है तो उसमें बड़ी समस्याएं हो जाती है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है 3 टीयर सिस्टम को एम्पावर करने के लिए, 3rd टीयर को एम्पावर करने के लिए भी काफी रिलक्टेंट रहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने स्टेट को डिटरमाइन करने को कहा है कि आपको कैसे 3rd टीयर जो है वो यहाँ पर बनाना है गवर्नेंस के लिए, है ना। और बहुत सारे स्टेट जो है वो रिलेक्टेंट है इसकी फंक्शनलिटी को लेकर, है ना, जो फिजिकल एम्पावरमेंट है वो देने के लिए। मतलब जो लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज हमने देखा हुआ है पॉलिटी के लेक्चर्स में कि जो लोकल बॉडीज होती है, लोकल बॉडीज के पास फाइनेंशियल जो पावर होनी चाहिए वो रहती नहीं है,
मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है, उसी के साथ साथ जो स्टेट्स हैं उनके तरफ से उनको पैसा मिलता नहीं है, बहुत सारी समस्याएं वो हमें देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि ह्यूमन कैपिटल जो उस पर इन्वेस्ट करना थ्रू इंटरवेंशन इन न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजुकेशन, ये क्रिटिकल है फॉर सब्सटेंशनल ग्रोथ, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच और स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट जो है वो इसको एनहांस कर सकती है, वो इसके आउटकम को एनहांस कर सकती है। जब तक हम यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं करेंगे फाइनेंशियली, तब तक हम यहाँ पर इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। स्टेट और थर्ड टीयर गवर्नेंस जो है, मतलब पंचायती राज म्यूनसिपालिटी जो है, उनको बिगर रोल जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल इंटरवेंशन के लिए, है ना। और एडिक्वेट फिस्कल रिसोर्सेज जो है, मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो भी यहाँ पर उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब जाकर फायदा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर फेडरलिज्म और इंडिया का ह्यूमन कैपिटल जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में चल रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसमें रैंक क्या रहा है, वही सारी चीजें, रैंक क्या रहा है, उसी के साथ साथ जो रिलीज है उनके बारे में, उसी के साथ साथ जो फर्स्ट कंट्री है बॉटम कंट्री उनके बारे में, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पता रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के रैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया का जो रैंक है वो स्लिप हुआ है 6 places to 86th among 180 countries, 180 कंट्रीज में से 86th यहाँ पर हमें देखने को मिलता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। जैसा मैंने आपको कहा कि ये अक्सर चेंज होता रहता है, ठीक है, जैसे जैसे अपडेशन आएगा वैसे वैसे चेंज होगा, रिलीज की जाती है बट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया का जो रैंक है 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 80th रैंक हमें देखने को मिला था 180 कंट्रीज में से। अब जो ये रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अगर हम देखते हैं तो ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड किया गया है 1993 में, बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी। कहां पर है ये? जर्मनी में हमें देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए है और जो ग्लोबल करप्शन है उसको टैकल करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए है, ठीक है, और क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है जो करप्शन की वजह से होती है उसको यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए है। मतलब बेसिकली इसका अगर लुकआउट देखा जाए तो करप्शन जो है वो कम हो जाए, ऐसा इसका बोलना है। करप्शन कम होंगे तो अपने आप जो यहाँ पर करप्शन की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है उसको भी हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। मोस्ट नोटेबल पब्लिकेशन जो है उसमें ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये हमें देखने को मिलता है। अब देखिए इंडेक्स के बारे में और थोड़ा अगर हम देखते हैं तो इंडेक्स जो है वो रैंक करता है 180 कंट्रीज और टेरिटरीज को, ठीक है, बाय परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स और बिजनेस पीपल। यहाँ पर एक मेन कैच आता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल, इनके थ्रू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये स्केल यूज करता है, 0 मतलब हाईली करप्ट है, 100 मतलब बहुत क्लीन है, कोई 100 देखने को मिलेगी क्या? मोर एवर करप्शन जो है नॉट ओनली अंडरमाइन ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स टू कवर COVID-19 बट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूइंग क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए इसके कुछ लिमिटेशंस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। लिमिटेशंस जो है वो क्या है, मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसके बारे में देख लिया, उसमें रैंक जो है उसके बारे में देख लिया, अब यहाँ पर जो लिमिटेशंस है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि मेंस में अगर आपको पूछा जाए तो मेंस में आप अच्छी तरीके से जवाब जो है वो लिख सकते हो। देखिए सर्वे जो है वो ऑफ ओनली बिजनेसमैन एंड नॉट पुअर पीपल, मतलब यहाँ पर सर्वे अगर हम देखते हैं तो बिजनेसमैन के हैं, पुअर पीपल जो है उनके नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके वजह से क्या है, इसके वजह से जो एक्चुअल जो डेटा है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, एक्चुअल में जो डेटा चाहिए है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डेफिनेशन है करप्शन की फॉरेन वर्ल्ड में वो यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। जैसे कि फर्ज कीजिए कि हमारे यहाँ पर जो अलग अलग त्यौहार होते हैं उसमें मिनिस्टर्स को बोलिए, ब्यूरोक्रेट्स को बोलिए, उनको यहाँ पर जो तोहफे हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसी नहीं चलता है। मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मिनिस्टर्स हैं उनको आप तोहफे नहीं दे सकते हो, उनको आप स्वीट्स नहीं दे सकते हो, तो वो करप्शन में गिना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो ले रहा है, वो अब यहाँ पर अगर उसने वो देखा होगा कि हाँ 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 मतलब ये कर रहे हैं तो चलो भैया इंडिया में तो बहुत बड़ा करप्शन है ना, ये हो जाता है। रिपोर्ट जो है हाईलाइट करता है मेजर ब्राइब्स टेकिंग कंट्री, लेकिन हाईलाइट नहीं करता है ब्राइब गिविंग कंपनीज। क्या होता है, कोई भी कंट्री में कोई भी देश है उसमें जो कंपनीज है वो यहाँ पर ब्राइब देती है तब जाकर वहाँ पर करप्शन बढ़ता है ना, जो पॉलिटिशियन है वो करप्शन लेते हैं। अब फर्ज कीजिए यहाँ पर फेसबुक है, फेसबुक ने क्या किया कि यहाँ पर इंडिया में प्लस यहाँ पर समझ लीजिए यूएसए में, दोनों जगहों पर, यहाँ पर इंडिया में भी उसने करप्शन दिया कि चलो भैया हमारा जो है वो छूट मूट का होने दो, अच्छे तरीके से होने दो, यूएसए में भी दिया। अब क्या हुआ यहाँ पर
कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें अच्छा, यहाँ पर इतने लोगों को मिला, यहाँ पर इतने लोगों को मिला, उस हिसाब से उसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो ब्राइब कंट्रीज ले रही है उसके बारे में तो बता दिया, लेकिन जो कंपनीज दे रही है, क्योंकि जब आप कुछ दे रहे हो मतलब कोई, मतलब कोई ले रहे हो मतलब कोई दे भी रहा है ना, आप ब्राइब अगर ले रहे हो मतलब ब्राइब कोई दे रहा है, तो जो दे रहा है उसके बारे में मुझे बताते नहीं है। इनको जो है मतलब फेसबुक हो जाए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको भी यहाँ पर एक्सपोज करना जरूरी है ना, लोगों को भी पता चले कि भैया ये इतने इतने करप्शन जो है वो यहाँ पर देते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर नहीं दिया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो करप्ट एक्ट्स होते हैं उसके कैटेलॉग, वाइडर कैटेलॉग को यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं करता है, जैसे कि नेपोटिज्म हो गया, पेट्रनेज हो गया, ये सब यहाँ पर नहीं देखे जाते हैं। सीपीआई जो है मेजर करता है परसेप्शन सिर्फ, एक्चुअल इंसिडेंस जो है वो यहाँ पर नहीं देखता है, मतलब जो भी एफआईआर हुई है ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो नहीं देखी जाती, सिर्फ परसेप्शन जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। ऐसे सिनारियों में तो फिर तुम कोई भी कंट्री को कितना भी बोल दो, मैं यहाँ पर यूएसए को बहुत बड़ा करप्ट बोल देता हूँ, है ना, तो ये चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है, मतलब ये लिमिटेशन जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। अब कंक्लूजन के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सीपीआई, ये यहाँ पर शॉर्ट लिव्ड जो जो हाइप है वो सिर्फ क्रिएट करता है, इसका कोई बेसिक जो एम है इसका कि हम करप्शन कम करेंगे और करप्शन कम करके जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करप्शन की वजह से होती है उसको हम कम करेंगे, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री जो अपना काम है वो नहीं दिखाता है ना। सीपीआई जो है मीनिंगफुल है जब हमें नेशनल कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना है ना, लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरे जो इंडेक्सेस है उसको भी लेना पड़ेगा, अकेला सिर्फ ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखेंगे तो कोई मतलब का नहीं है। इसमें अगर हम देखते हैं ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर बोलिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोलिए, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बोलिए, तो ये सभी हमको यहाँ पर लेने पड़ेंगे, तब जाकर हम ये इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा अल्टरनेटिव यहाँ पर है नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो करप्शन असेसमेंट यहाँ पर कंडक्ट करा सकती है, तो ये उसका कंक्लूजन के तौर पर हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर चल रहे हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा, उसी के साथ साथ जो कंक्लूजन है मतलब प्रीलिम्स में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मेंस में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो इजीली अच्छे तरीके से आप जवाब जो है वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी जो है उसके बारे में बात की जा रही है, कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी होती है तो कॉन्स्पिरेसी क्या है प्लस इंडिया में कॉन्स्पिरेसी के लिए लॉस क्या क्या है, तो इसके बारे में आप बात की जा रही है, तो डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप देखोगे तो हमने कुछ दिन पहले एक टॉपिक कवर किया था दिशा का, है ना, जो जर्नलिस्ट है उनका कवर किया था, और डिटेन जो है वो किए गए थे, और उसी के साथ साथ जो सेडिशन है वो चार्जेस वहां पर देखने को मिले थे। तो अब यहाँ पर जो पुलिस है उनके द्वारा जो कॉन्स्पिरेसी है ये करने की कोशिश की जा रही है, वो किया जा रहा है फलाना ढमकाना, ये सारी चीजें जो है वो निकल कर आ रही है, इसलिए जो कॉन्स्पिरेसी है उसके लिए हमारे पास लॉस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पुलिस जो उसने क्लेम किया है कि जो दिशा है अलॉन्ग विथ मुंबई बेस्ड एडवोकेट निकिता जैकॉब एंड बीड महाराष्ट्र बेस्ड इंजीनियर शंतनु मुलुक, ये लोकल कोलैबोरेटर जो है कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर जो वॉयलेंस है उसके पीछे देखने को मिले हैं। पुलिस ने अलीग किया है कि यहाँ पर लिंक जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है क्रिएशन ऑफ टूल किट एंड टू कैनेडा बेस्ड ग्रुप, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी जो है वो यहाँ पर की जा रही थी, और कॉन्स्पिरेसी के ही चलते यहाँ पर डिटेंशन जो है ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सेडिशन की बात करते हैं तो सेडिशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो जो है वो अवेलेबल है, हमने न्यूज़पेपर में ही कवर किया था, और यहाँ पर जो हमारा सेडिशन वाला वीडियो है वो सेपरेटली भी अवेलेबल है, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी के बारे में, ठीक है, उसमें हमने बात किया था सेडिशन के बारे में, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो सेक्शन 120A जो है इंडियन पिनल कोड का, मैंने आपको बोला इंडियन पिनल कोड बोलिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी बोलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनके सेक्शंस जो न्यूज में चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेक्शन जो है 499 बोलिए, सेक्शन 124A, तो ये जो सेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेक्शन 120A जो है इंडियन पिनल कोड का, ये डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, और जो सेक्शन 120B है ये प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट, ठीक है, तो मतलब 120 जो है ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए क्या है, एक अग्रीमेंट अगर होता है दो या उससे ज्यादा लोगों में कि वो क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब क्या है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, और ये एक व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, रास्ते में जाते जाते वो इंसान का मर्डर जो है ना वो कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, एक अग्रीमेंट में गए, है ना, इन्होंने एक प्लान बनाया। अब ये अग्रीमेंट में गए हैं
तो अब अगर इन्होंने वो एग्जीक्यूट किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कॉन्स्पिरेसी है वो इन्होंने की है, और वो कॉन्स्पिरेसी के इसमें तो आ ही जाएंगे। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, सिर्फ अग्रीमेंट जो है वो जरूरी है ना। यहां पर अगर आप देखोगे एक्चुअल क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो यहां पर जरूरी नहीं है, वो यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब इन्होंने सिर्फ एक अग्रीमेंट बना दिया कि इस इंसान का हम मर्डर करेंगे, वही सफिशियंट है कॉन्स्पिरेसी के लिए। यहां पर उन लोगों ने एक्चुअल मर्डर करना ही यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होता है। कॉन्स्पिरेसी के लिए तो आप वहीं पर उसको दबोच सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं लॉ जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए वो यहां पर कैसे आया। लॉ जो है इन करंट फॉर्म ये ऐड किया गया 1913 में, मतलब जो ब्रिटिशर्स है उस टाइम पे ऐड किया गया, नियरली 4 decades आफ्टर आईपीसी वॉज फर्स्ट इनएक्टेड। प्रोविजन जो है ये यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं ब्रिटिश के द्वारा, जिससे कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है उसको यहाँ पर जो राइज हो रहे हैं उसे डील किया जा सके। क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो अब यहाँ पर कुछ ऐसे बना रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से घेरेंगे, हम ब्रिटिशर्स को वहां से घेरेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ब्रिटिशर्स के लिए तो कॉन्स्पिरेसी हो गई ना, क्योंकि यहाँ पर एक अग्रीमेंट जो है उसमें जा रहे हैं, तो ये कॉन्स्पिरेसी उनके लिए हो गई। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें जो है वो लेकर आए थे। अब यहाँ पर लॉ जो है वो पनिश कैसे करता है जो भी कॉन्स्पिरेसी करता है, तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है कॉन्स्पिरेसी की वो यहाँ पर दी हुई आईपीसी में है ना। और ये डिवाइड करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को 2 categories में। पहला है फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सीरियस ऑफेंस। ठीक है, टू कमिट सीरियस ऑफेंस, इसमें यहाँ पर सेंटेंस जो है 2 or more years, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो भी देखने को मिलती है, और डेथ पेनल्टी जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है सीरियस क्राइम्स के लिए। दूसरा अगर हम देखते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यहाँ पर जो जेल टर्म है वो दी गई है ऑफ लेस देन 2 years, फाइन या दोनों। मतलब क्या है, एक सीरियस अगर क्राइम हो उसके लिए 2 साल से ज्यादा, प्लस यहाँ पर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट बोलिए, डेथ पेनल्टी बोलिए, वो भी हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं थोड़े नॉन सीरियस क्राइम की, तो उसके लिए आपको 2 साल से कम की सजा जो है वो हो सकती है। ठीक है, और एडिशनली वंस द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स द कॉन्स्पिरेसी चार्ज, ऑल द अक्यूज्ड विल बी हेल्ड लायबल फॉर द कॉन्स्पिरेसी। मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, उसमें से अगर यहाँ पर ये हो जाता है कि हाँ इस पे साबित हो गया, ये वाले व्यक्ति पे साबित हो गया, इनको भी यहाँ पर हेल्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको कॉन्स्पिरेसी जो है उससे रिलेटेड लॉ के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल गई होगी। आपको बेसिकली यहाँ पर सेक्शन जो है वही याद रखने हैं, बाकी हमें पीएचडी जो है वो नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भी टॉपिक्स है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। अब देखिए हमारा यहाँ पर जो आज हम देखने वाले हैं, तो ये 3 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट हमारा यहाँ पर बसता है कैबिनेट अप्रूव पीएलआई प्लान फार्माक्यूटिकल्स और आईटी हार्डवेयर के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पीएलआई आपको पता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है ना, कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें अगर हम देखते हैं सिग्निफिकेंस इसका इंपॉर्ट हो जाता है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं पीएलआई स्कीम का फॉर आईटी हार्डवेयर सेक्टर, तो ये बेनिफिट करेगा 5 major global players एंड 10 domestic champions आईटी हार्डवेयर में। ये यहाँ पर डेवलपमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम कंट्री में उसको यहाँ पर एनहांस करेगा। अगर हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर की, तो ये बेनिफिट करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को है ना, क्योंकि वहां पर क्या होगा प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड यहाँ पर इंसेंटिव्स जो है वो उनको मिलेंगे है ना। और इसलिए यहाँ पर क्या होगा इन्वेस्टमेंट जो है फार्माक्यूटिकल सेक्टर में वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन जो है हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के वो भी यहाँ पर हो सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी वजन बढ़ जाए, जो एक्सपोर्ट है उसमें भी हमारा वजन बढ़ जाए, जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी खासी हमें देखने को मिले। तो ये सिग्निफिकेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट जो है प्रीलिम्स से रिलेटेड वो भी देखने को मिलते हैं आज। जैसे कि घाना जो है ये यहाँ पर वर्ल्ड फर्स्ट डिलीवरी जो है कोरोना वायरस वैक्सीन की फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस बैक्ड कोवैक्स इनिशिएटिव वो यहाँ पर आया है। तो कौन सी कंट्री को मिला है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर $50 million डिफेंस क्रेडिट लाइन जो है फैसिलिटी श्रीलंका को दिया है। तो ये एकदम ही मतलब मैंने इंक्लूड नहीं करना था, ऐसा कुछ एकदम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पैसे मतलब मांगने वाले जब देने लग जाए तो फिर बनता है वो पढ़ना। यूनियन कैबिनेट जो है अप्रूव किया है प्रपोजल बाय द होम मिनिस्ट्री, जिससे कि पुदुचेरी असेंबली जो है उसको डिसॉल्व किया जाए, प्रेसिडेंट्स रूल जो है उसको लागू कर दिया जाए। अब देखिए आप सभी को प्रेसिडेंट्स रूल जो उसके बारे में पता ही होगा है ना, हमने पॉलिटिकल लेक्चर्स में कवर किया हुआ है एमएम एकेडमी ऐप के। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अवेलेबल ना हो, जो गवर्नमेंट है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, जैसे हमने देखा था ना वहाँ पर जो फुल स्ट्रेंथ है वो देखने को नहीं मिल रही है, प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो देखने को मिल रहा है, तो अब यहाँ पर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट रही तो वो फॉर्म कर लेगी, नहीं तो फिर इलेक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। पुदुचेरी के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, तो इसलिए डीप में मैंने ये नहीं लिया है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर सिर्फ यहाँ पर रखा है, ताकि प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो आप एक बार रिवाइज जो है वो कर सको।
मतलब इसके आर्टिकल्स बोलिए, इसके कैटेगरीज बोलिए, उसके रीजंस बोलिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।